श्री गणेशाय नमः। कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश जी की आराधना किस तरह से करनी चाहिए। पार्वती जी की ये बात सुनकर के गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है, पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले कही हुई विधि से करना चाहिए, भोजन एक बार करना चाहिए व्रत तथा पूजन के पश्चात। ब्राह्मण को भोजन करा के खुद चुप रह करके भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर के हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्तासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया, फलस्वरूप देवतागण चारों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर के विष्णु जी ने कहा, समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है, इसलिए आप लोग अगस्त ऋषि के पास जाइए, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे, इसलिए आपका कार्य अगस्त ऋषि की मदद से ही पूरा होगा। ऐसा सुनकर के सभी देवतागण अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि के इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुई कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह के व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए, इसके करने से आप जल्दी ही सब दुश्मनों पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीत कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। तो यह थी कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। नमो नारायण।